डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कन्फॉर्मेशंस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, जिसमें हमने डिस्कस किया था 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो वही टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम देखेंगे इसमें कि 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन्स के क्या क्या कन्फॉर्मेशंस पॉसिबल हैं। तो जैसे कि 1,2-डाइमिथाइल में भी एक सिस और एक ट्रांस बन रहा था, ऐसे ही 1,3-डाइमिथाइल में भी एक सिस और एक ट्रांस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिस फॉर्म को। तो सिस फॉर्म में अगर हम 1,3 पोजिशन देखें, तो सपोज अगर हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप रखा है तो एक कार्बन छोड़कर फिर हम मिथाइल ग्रुप को रखेंगे, तो ये 1,3 पोजिशन कहलाती है। अगर हम इसको नंबर 1 देंगे तो ये 2 और ये 3, या हम इसको नंबर 1 देंगे तो ये 2 और ये 3, तो ये 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। अब क्योंकि सिस है तो सिस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो दोनों मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन होंगे या दोनों मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन होंगे। अब इसी बेसिस पर हम इसका चेयर कन्फर्मेशन बना ले रहे हैं। तो चेयर कन्फर्मेशन में हम क्या करेंगे कि अगर हम सपोज, क्योंकि दोनों को हमने अबव द प्लेन दिखाया है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाले बॉन्ड्स हैं उनसे हमें मिथाइल ग्रुप को जोड़ना है, और ये ऊपर वाला कार्बन है तो इसमें ऊपर की साइड कौन सा बॉन्ड जाता है, वो होता है एक्जियल बॉन्ड। और ऐसे ही ये कार्बन भी ऊपर है तो इसमें भी ऊपर वाला बॉन्ड जो होगा वो एक्जियल होगा। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गए और ये 1,3 पोजिशन हो जाएगी, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। तो ये जो हमारा कन्फॉर्मेशन बना ये ए ए कन्फॉर्मेशन बना, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप एक्जियल पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। अब हम देखें अगर दोनों मिथाइल ग्रुप को हम बिलो द प्लेन दिखाएं। अब बिलो द प्लेन चेयर कन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जब हम उसको नीचे की साइड दिखाते हैं, तो अब ये ऊपर वाला कार्बन था, इस पर दो बॉन्ड थे, एक तो ऊपर की साइड गया एक्जियल और नीचे की साइड आ गया इक्वेटोरियल, तो यहाँ पर नीचे ही मिथाइल ग्रुप है तो इसलिए हमने नीचे मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया। ऐसे ही जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक बॉन्ड नीचे, यानी एक एक्जियल होगा दूसरा इक्वेटोरियल, तो जो नीचे वाला बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर नीचे ही मिथाइल ग्रुप है तो हमने एक नीचे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो अब हम देखेंगे दोनों मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजिशन पर आ गए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ई ई कन्फॉर्मेशन। और ई ई और ए ए कन्फॉर्मेशन हम 1,2-डाइमिथाइल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ई ई कन्फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ए ए कन्फॉर्मेशन। तो ये सब एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखिएगा फिर आप यहाँ पर आइएगा। तो यहाँ पर जो था ये मोर स्टेबल मैंने आपको बताया था कि इस केस में, ए ए वाले केस में, क्योंकि हमें 1,3-डाइएक्सियल इंटरेक्शन और गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन देखने को मिलता है, इसलिए ये लेस स्टेबल होता है और ये मोर स्टेबल। तो ये दोनों कन्फर्मेशन हो जाएंगे सिस 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख ले रहे हैं कि सिस फॉर्म में जो हमें दिख रही है वो यहाँ पर है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जब किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो कंपाउंड हमारा अकायरल होता है, यानी कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। और क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पर दो कायरल सेंटर भी हैं, तो ये एक मीजो कंपाउंड हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि देखिए ये अगर हम प्लानर स्ट्रक्चर में देखें तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से जा रही है। तो अगर यहाँ पर एक प्लेन लगा दिया जाए तो ये प्लेन क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो इतना हाफ पोर्शन है वो दूसरे हाफ पोर्शन की एग्जैक्ट मिरर इमेज बन जाएगा। क्योंकि इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से अगर हम देखें, इधर की साइड जो कार्बन है उसमें भी ऊपर की साइड मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी ऊपर की साइड ही मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। तो इस तरह से ये सिस फॉर्म जो भी होगी, यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम ज़्यादा अच्छा वैसे इस प्लानर स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी चेक करना हो तो हमें हमेशा इस तरीके, अब हम यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से जा रही है ऐसे करके, यानी इस मिथाइल ग्रुप और इस मिथाइल ग्रुप को कट करते हुए नीचे की साइड जा रही है। तो इस तरह से हम ज़्यादा अच्छा, मतलब अगर समझना है तो हम हमेशा यहाँ पर समझेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं तो वो हमेशा दो कार्बन एटम से पास होती हुई जानी चाहिए, दो कार्बन एटम ज़रूर इन्वॉल्व हों वहाँ पर। जैसे कि अगर मैं आपको एक, जैसे कल हमने 1,2 की बात करी थी, तो 1,2 में जैसे यहाँ पर मैं बना के दिखाऊँ, अगर सपोज हमने ये 1,2 बना दिया था सिस, यहाँ पर CH3 और ये CH3। अब कोई सोच सकता है कि यहाँ पर भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि अगर हम ऐसे कोई प्लेन डालें
तो वो प्लेन भी तो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, और ये सी एस थ्री और ये सी एस थ्री एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेन हमने डाला है ये दोनों कार्बन एटम के बीच में से होकर जा रहा है। तो साइक्लोहेक्सेन में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको लगानी है तो हमेशा वो दो कार्बन एटम के को कट करती हुई जाननी चाहिए, जैसे यहां पर जा रही है, ये भी एक कार्बन एटम है और ये भी एक कार्बन एटम है, तो दोनों कार्बन एटम को कट करती हुई यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर में समझना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू ये, क्योंकि यहां पर आपको पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिए, तो यहां पर भी वो दो कार्बन से ही होती हुई जा रही है, वो ये दोनों कार्बन है, दोनों ऊपर वाले कार्बन, तो दोनों ऊपर वाले कार्बन को कट करती हुई जा रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर शायद आपको ना समझ में आए तो ज्यादा अच्छा है कि इसमें समझना, बस हमेशा ध्यान रखना है कि दो कार्बन एटम से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी। अच्छा, तो ये हमारा हो गया एक मीजो कंपाउंड। अब हम आते हैं ट्रांस में, तो ट्रांस 1,3-डायमिथाइल में एक कंपाउंड, एक सब्सिट्यूएंट को ऊपर और एक सब्सिट्यूएंट को हम नीचे दिखाएंगे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, या हम इसको बिलो द प्लेन और इसको अबव द प्लेन दिखा सकते हैं। और जब हम इसका चेयर कन्फॉर्मेशन बनाएंगे तो जैसे अगर ये अबव द प्लेन है तो हमने इसको ऊपर की साइड दिखा दिया, और ये बिलो द प्लेन है तो हमने इसको नीचे की साइड दिखा दिया, तो ये हमारा एई कन्फॉर्मर बन गया या एई कन्फॉर्मेशन बन गया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी एई होगा वो हमेशा ई ए के इक्वल होगा, चाहे ये बना लीजिए चाहे ये बना लीजिए, मतलब आप चाहे इसको इक्वेटोरियल पे तो फिर इसको एक्जियल पे बनाएंगे, तो कैसे भी कर लेंगे तो दोनों तरीके से हमारा सेम ही आएगा, ए ई जब भी कभी आ गया वही ई ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ट्रांस जो 1,3-डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है उसका सिर्फ एक ही कन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल है, उसको हम ए ई या ई ए कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर से अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो यहाँ पर ई ई जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ए ई आएगा और फिर ए ए, क्योंकि इसमें तो दोनों ही एक्जियल ग्रुप हैं, यहाँ पर कम से कम एक इक्वेटोरियल और यहाँ पर तो दोनों ही इक्वेटोरियल है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा जब भी डाईमिथाइल की बात होगी हमेशा यही रहता है, ई कन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर ए ई और फिर ए ए। तो जब भी डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, चाहे वो 1,2 हो, चाहे 1,3 हो, चाहे 1,4 हो, तो हमेशा ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो यही रहता है। अच्छा, अब हम बात करें इनेंशियोमेरेंस की, क्योंकि ट्रांस में हम देख रहे हैं जो कि हम, क्योंकि सिस फॉर्म तो में तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दी गई है, तो वो तो मीजो कंपाउंड है, वहां पर तो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो ही नहीं करेगा। तो देखेंगे ट्रांस 1,3-डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में, तो हमने ये बना लिया ट्रांस 1,3-डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ पर दोनों कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन एस एस हैं, यहाँ पर दोनों के आर आर हो गए, क्योंकि दोनों के ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुके हैं, तो ये दोनों आपस में इनेंशियोमर्स हैं, या ये दोनों एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी बना रहे हैं, तो इसलिए भी ये इनेंशियोमर्स हो जाते हैं। अब ये किस टाइप के इनेंशियोमर्स हैं, क्या ये कन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमर्स हैं या ये कन्फिग्रेशनल इनेंशियोमर्स हैं, तो ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाई थी कि हम इसको फ्लिप करा के देखेंगे, और अगर हमारी फ्लिप्ड इमेज और मिरर इमेज बिल्कुल सेम आ जाती है तब ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होंगे, और अगर ये दोनों डिफरेंट निकल के आती हैं तो ये कन्फिग्रेशनल इनेंशियोमर्स होंगे। और डिफरेंट और सेम हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो अभी हम आगे और देखेंगे, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये दोनों हमारे कन्फिग्रेशनल इनेंशियोमर्स होते हैं, कैसे होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। कन्फिग्रेशनल इनेंशियोमर्स का मतलब होता है कि ये इसको अगर इसमें चेंज करना है तो ये फ्लिपिंग के थ्रू इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, जो भी कन्फॉर्मेशंस एक दूसरे में फ्लिपिंग के थ्रू इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो यहाँ पर ये कन्फिग्रेशनल इनेंशियोमर्स हैं। तो हम फ्लिप इमेज देखते हैं इसकी, अगर हमने इसकी फ्लिप इमेज बनाई तो इसकी फ्लिप इमेज कैसे बनेगी, हम वन कार्बन को ले जाएंगे नीचे, 2 कार्बन आ जाएगा यहाँ पर और 3 कार्बन आ जाएगा यहाँ पर, यानी 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, और ये मैंने 1,2,3 यहाँ पर डाल दिया है, और जो ऊपर वाले कार्बन मतलब नीचे दिखाने और जो नीचे वाले कार्बन है वो हमने ऊपर दिखाए हैं, तो उसी हिसाब से क्योंकि 1 कार्बन हमारा ऊपर था तो अब हमें नीचे दिखाना होगा फ्लिप इमेज में, इसलिए हम इसको नीचे ले गए। तो हमेशा मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फ्लिपिंग में हमेशा आपको 1 कार्बन आगे पहुंचना है और जो बॉन्ड ऊपर है उसको ऊपर ही शो करना है। तो ये बॉन्ड 1 पर, क्योंकि ऊपर की साइड मिथाइल ग्रुप था तो इसमें जो ऊपर वाला बॉन्ड आएगा वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, तो ये सी एस थ्री ऊपर चला जाएगा।
थर्ड कार्बन पर, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप नीचे की साइड जुड़ा है, थर्ड कार्बन क्योंकि नीचे की साइड है तो नीचे की साइड जो बॉन्ड होगा वो एक्जियल होगा, तो नीचे की साइड हमारा CH3। तो जो यहाँ पर वो जो एक्जियल मिथाइल था वो अब इक्वेटोरियल बन चुका है, जो इक्वेटोरियल मिथाइल था वो एक्जियल बन चुका है, और यही सब कुछ फ्लिपिंग में होता भी है। अब हमें चेक करना है, मैंने आप कैसे समझना है कि ये कन्फिग्रेशन है कि कन्फॉर्मेशनल, तो हमें बी और सी को देखना होगा कि क्या ये डिफरेंट है और या फिर ये सेम है। तो हम कैसे देखते थे इसको, अब हम सबसे पहले ए कंपाउंड की बात करेंगे। इसमें हमें मूवमेंट, सिर्फ हमें मूवमेंट करना है, कैसे, एक्जियल टू इक्वेटोरियल। तो एक्जियल ये है, इक्वेटोरियल ये है, तो एक्जियल टू इक्वेटोरियल जब हम चलेंगे तो ये बॉन्ड तो ऊपर की साइड है और ये बॉन्ड नीचे की साइड है, तो हमने लिखा अप डाउन, ठीक है। और अब हम कैसे चल रहे हैं, जब हम एक्जियल टू इक्वेटोरियल मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम बी को चेक करेंगे, बी में भी हमें एक्जियल और टू इक्वेटोरियल चलना है। जब एक्जियल टू इक्वेटोरियल चल रहे हैं तो ये बॉन्ड है अप और ये बॉन्ड है डाउन, तो हमने लिख दिया अप डाउन। लेकिन हम चल कैसे रहे हैं, एक्जियल टू इक्वेटोरियल हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप देखें ए और बी में, ए और बी में हमारा सिर्फ एक पैरामीटर जो है चेंज हुआ है, बाकी दोनों सेम है। और मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हमारा कोई एक पैरामीटर चेंज होता है तो दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, और अगर एक पैरामीटर के अलावा हम चेक करें, कभी ऐसा भी होगा कि दोनों सब कुछ सेम होगा, तीनों पैरामीटर सेम होंगे या दो पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, तो तब कंपाउंड जो होते हैं वो सेम निकल के आते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हम दो कंपाउंड में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई एक पैरामीटर अगर डिफरेंट है तो कंपाउंड डिफरेंट होंगे, अदरवाइज वो सेम होंगे। फिर हम सी कंपाउंड की बात करते हैं, यानी कि ये वाली, फिर से हम एक्जियल टू इथाइल इक्वेटोरियल चल रहे हैं, सॉरी। तो एक्जियल टू इक्वेटोरियल में क्या हो रहा है, एक्जियल हमारा नीचे है डाउन और ये हमारा अप है, तो हमने लिख दिया डाउन और अप। और चल कैसे रहे हैं, चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज, तो हमने लिखा क्लॉकवाइज। तो बी और सी में अगर हम चेक करें तो ये दोनों तो हमारा सेम है, फिक्स ही है। यहाँ पर अगर हम करें तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये जो है डिफर कर गया, यानी कि एक पैरामीटर हमारा चेंज हो गया। तो जब एक पैरामीटर हमारा चेंज होता है तो कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, तो इसका मतलब जो मिरर इमेज है और जो इसकी फ्लिप्ड इमेज है वो दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। और जब वो दोनों डिफरेंट होती हैं तो ये हमेशा कन्फॉर्मेशनल, ओ सॉरी, कन्फिग्रेशनल इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। और एक बात और बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में भी और आज भी बता रही हूँ कि फ्लिप्ड इमेज और मिरर इमेज अगर डिफरेंट होती है तो जो इनके रेसेमिक मिक्सचर बनेगा वो रिजॉल्वेबल होगा, यानी कि उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। और अगर फ्लिप्ड इमेज और मिरर इमेज सेम हो जाती तब ये रेसेमिक मिक्सचर नॉन रिजॉल्वेबल होता, और ये दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर्स हैं। और ये हम इनके इसको देख के भी समझ सकते हैं कि दोनों का कन्फिग्रेशन, दोनों कार्बन का एस एस है, यहाँ पर दोनों कार्बन, एक का आर है और एक का एस है, तो ये दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर्स हैं। तो इस तरह से हम इनेंशियोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हम बात करेंगे 1,4 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशन की, जिसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। तो हमने 1,2 डाइमिथाइल देखा, 1,3 डाइमिथाइल देखा, अब आता है 1,4 डाइमिथाइल। तो 1,4 डाइमिथाइल में भी हमारी दो ही पॉसिबिलिटी है, एक सिस और एक ट्रांस, दोनों को ही हमने यहाँ बना लिया। ये वन पोजिशन हो गई, ये टू, ये थ्री और ये फोर। तो ये 1,4 पे हमने अगर सिस को देखेंगे दोनों को ही अबव द प्लेन रखा, या हम दोनों को बिलो द प्लेन भी रख सकते हैं। तो दोनों का अगर हम चेयर कन्फॉर्मेशन बनाकर देखें तो वो यही निकलेगा, यानी दोनों को हमें ऊपर रखना है। अगर हम वन नंबर इसको दे रहे हैं तो टू ये, थ्री ये, फोर ये, और दोनों को ही हमें ऊपर रखना है, तो ये वाला कार्बन जो है क्योंकि नीचे की साइड है तो इसमें नीचे की साइड तो आएगा एक्जियल बॉन्ड और ऊपर की साइड जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ऊपर की साइड ही हमें मिथाइल ग्रुप को रखना है तो हमने यहाँ मिथाइल लिख दिया। और ये ऊपर वाला कार्बन है इसलिए ऊपर की साइड जाएगा एक्जियल बॉन्ड और नीचे की साइड आएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड, और क्योंकि हमें मिथाइल ग्रुप को ऊपर ही रखना है तो हमने यहाँ ऊपर रख दिया। तो एक मिथाइल ग्रुप तो एक्जियल पोजिशन पर है और दूसरा इक्वेटोरियल पोजिशन पर है, या है तो हम ए ई कन्फॉर्मेशन बना लें या ई ए, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर जो सिस कन्फॉर्मेशन है उसका सिर्फ एक टाइप का ही कन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आ रहा है। अगर हम ट्रांस की बात करें तो एक को हमें ऊपर बनाना है, दूसरे को हमें नीचे बनाना है। तो हमने ये 1, 2, 3, 4 पोजीशन हो गई है, 1 पे हमने ऊपर बनाया, एक को हमने नीचे बनाया।
चाहे तो हम इसको नीचे बना लेंगे और इसको ऊपर बना लेंगे। जब ऐसा करने से यहाँ पर हमें दो कन्फॉर्मेशन मिले ट्रांस में, एक में दोनों ही मिथाइल ग्रुप ई है और एक में ही दोनों मिथाइल ग्रुप ए यानी एक्जियल पोजिशन पर है। तो ई और ए में से मोर स्टेबल कौन सा होता है? ई, तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। और अगर हम तीनों की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ई हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ए हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा। तो इस तरह से कन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का ट्रांस में भी और सिस में भी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों के इनेंशियोमेरिज की यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज की, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो यहाँ दोनों ही कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है? क्योंकि अगर हम यहाँ से एक कार्बन से ये ऐसे इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे यानी एक ऐसा प्लेन डालेंगे, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। ये दोनों CH3 कट हो जाएंगे, यानी दोनों जो ये वाला जो CH3, अगर हम इसको एक बॉल मान लें तो ये बॉल इक्वल हाफ्स में कट जाएगी और ये वाली बॉल भी इक्वल हाफ्स में कट जाएगी और ये पूरा मॉलिक्यूल तो कट ही जाएगा इक्वल हाफ्स में। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको हम यहाँ भी समझ सकते हैं, इस कार्बन और इस कार्बन से होती हुई प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। तो जब यहाँ से जाएगी तो ये CH3 भी कट हो जाएगा और ये CH3 भी कट हो जाएगा, मतलब हम एक ऐसा प्लेन लगा रहे हैं जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जब कट हो जाएंगे, ये कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा और ये कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम करें, ये कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा और ये कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ऐसी ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें ट्रांस में भी दिखाई दे रही है। एक ऊपर की साइड है CH3, एक नीचे की साइड है, लेकिन जब हम प्लेन लगाएंगे तो दोनों ही CH3 जो है वो कट हो जाएंगे, चाहे वो दोनों ऊपर हो चाहे दोनों नीचे हो, चाहे एक ऊपर और एक नीचे हो। तो यहाँ पर भी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है वो कुछ इस तरीके से ही जा रही है। तो दोनों ही कंपाउंड्स में क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये जो है दोनों ही फॉर्म्स कायरल नहीं है, और इनको हम यहाँ पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी ये दोनों कंपाउंड जो है वो शो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर कोई इनेंशियोमेरिज्म यहाँ पर शो नहीं होती है। अच्छा, ये तो बात करी हमने जब भी 1,2 चाहे 1,3 चाहे 1,4, जब हम दोनों ही ग्रुप्स को सेम ले रहे थे यानी कि मिथाइल ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जब हम मिथाइल ग्रुप हमने लिया तो हमने देखा कि जो ई कन्फॉर्मेशन था वो ज़्यादा स्टेबल निकल के आ रहा था इन कंपैरिजन टू ए। तो ऐसा मिथाइल के केस में तो पॉसिबल है, लेकिन जब दोनों ही ग्रुप मिथाइल हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ये पॉसिबल। एल्काइल ग्रुप को छोड़कर अगर कोई और ग्रुप्स हों तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ई ही ज़्यादा स्टेबल हो, कई बार ए भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। अब वो कैसे, ये हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है कि फॉर एल्काइल ग्रुप्स ई कन्फॉर्मेशन प्रीडोमिनेट्स, मतलब ई कन्फॉर्मेशन ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है ओवर ए, लेकिन फॉर अदर ग्रुप्स दिस इज़ नॉट नेसेसरली सो। बाकी ग्रुप्स के लिए ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर 1,2-डाइहेलो साइक्लोहेक्सेन का, हेलो माने हेलोजन एटम्स अगर हम ले रहे हैं, तो अगर हम 1,2 पोजीशन पर साइक्लोहेक्सेन को रखें, जैसे हमने यहाँ पर जो लिया है वो एक ट्रांस आइसोमर ले लिया है। ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, एक ऊपर की साइड होगा और एक नीचे की साइड होगा हेलोजन एटम। ये एक्स जो है वो हेलोजन एटम को शो कर रहा है, तो यहाँ पर एक हेलोजन एटम ऊपर है और एक हेलोजन एटम नीचे है, तो 1,2 पोजीशन पर है। या हम इसका ई कन्फॉर्मेशन देखें, ये हेलोजन एटम नीचे है और एक हेलोजन एटम ऊपर है, तो दोनों ही आप जो है वो ट्रांस कन्फॉर्मेशन है। अब इसमें क्या है, ए ज़्यादा स्टेबल है और ई जो है वो लेस स्टेबल है। और मिथाइल के केस में क्या हो रहा था, डाई मिथाइल ले रहे थे, वहाँ पर ई ज़्यादा स्टेबल था और ए लेस स्टेबल था। तो क्यों है यहाँ पर ई जो है वो लेस स्टेबल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो सी एक्स है मतलब हेलोजन एटम, सी एक्स बॉन्ड यहाँ पर एक डाइपोल की तरह काम करेगा भाई एक्स पर, क्योंकि ये हेलोजन एटम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ऐसे यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव होगा, इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है दो डाइपोल्स बन के आ गए हैं हमारे पास। तो यहाँ जो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है या डाइपोल डाइपोल रिपल्शन होता है, और जहाँ पर भी रिपल्शन होगा मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है हमेशा बढ़ जाती है, और एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ये ई कन्फॉर्मेशन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ए। अब ए में क्या है, ये एक्स ऊपर है और ये एक्स नीचे, दोनों ही एक दूसरे से एंटी पोजिशन पर प्रेजेंट है। तो जब ये एक दूसरे के एंटी है तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल हो गया।
अच्छा, अगर हम बात करें सिस 13 साइक्लोहेक्सेन डायोल की, यानी कि हमने यहाँ पर दो OH ग्रुप लिए हैं जो 13 पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। तो अगर हम 13 पोजीशन पर हमने OH को लगा दिया, यहाँ पर दोनों को ही हमने ऊपर की साइड लगाया यानी कि हम सिस फॉर्म ले रहे हैं, यहाँ दोनों को हमने नीचे की साइड लगाया यानी कि हम एक दोनों ही इक्वेटोरियल है और यहाँ पर दोनों ही एक्जियल हैं। तो यहाँ पर AA फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी इन कंपैरिजन टू EE। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, ये H जो है इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता भी होगा कि क्या होती है, कि कभी भी हाइड्रोजन अगर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है और तो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव होगा, ऐसे ही इस ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव होगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होता है यानी कि एक अट्रैक्शन होता है और उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड में। तो इसीलिए जो है ये AA कन्फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू EE कन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब ये तो बात हुई जब हमने दोनों ही ग्रुप्स को सेम लिया। अब कई बार ऐसा भी होगा कि दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ग्रुप भी बल्की ग्रुप होगा उसको हम हमेशा इक्वेटोरियल पोजिशन पर रखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी बल्की ग्रुप है उसको हम इक्वेटोरियल पोजिशन पर रखेंगे, क्योंकि एक्जियल पोजिशन पर अगर हम रखेंगे तो वहां पर 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें सिस 1-मिथाइल-4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन का, अब हम यहाँ पर दो कन्फॉर्मेशन यहाँ बना सकते हैं। एक में तो हमने मिथाइल को एक्जियल रखा और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमने इक्वेटोरियल पोजिशन पर रखा, और दूसरे कन्फॉर्मेशन में हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्जियल पोजिशन पर रख रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को एक्जियल रख रहे हैं और मिथाइल को इक्वेटोरियल रख रहे हैं। तो इन दोनों ही कन्फॉर्मेशन में से ज़्यादा स्टेबल ये कन्फॉर्मेशन माना जाएगा जहाँ पर हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो कि बल्की ग्रुप है हमने उसको इक्वेटोरियल पोजिशन पर रखा, ये ज़्यादा स्टेबल। ये लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम इसको एक्जियल पर रखेंगे, यहाँ पर ये H और ये H 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप है। तो यहाँ पर इस ग्रुप और इनके बीच में ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा, तो इसलिए जो है ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल होता है। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें सिस 2-मिथाइल-साइक्लोहेक्सेनॉल का, यानी कि हमने एक तो मिथाइल ग्रुप ले लिया और एक OH ग्रुप ले लिया, तो एक बार हमने इसको CH3 को रखा एक्जियल पोजिशन पर, दूसरे कन्फॉर्मेशन में रखा हमने इक्वेटोरियल पोजिशन पर, इसको रखा इक्वेटोरियल पर तो दूसरे में रखा हमने इसको एक्जियल। तो एक में मिथाइल एक्जियल है और दूसरे में मिथाइल जो है वो इक्वेटोरियल है। अब क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होता है वो OH से ज़्यादा बल्की होता है, तो जो बल्की ग्रुप है उसे हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने यहाँ रखा हुआ है इसको, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर फिर से वही कि मोर पावरफुल 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो जब भी कभी बल्की ग्रुप होगा उसे आपने इक्वेटोरियल पोजिशन पर रखना है और बाकी फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें एक लास्ट छोटा सा एक और एग्जाम्पल है, जब हम बात कर रहे हैं 2-ब्रोमो-साइक्लोहेक्सेनॉन की, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है MSc प्रीवियस के एग्जाम में, कि 2-ब्रोमो-साइक्लोहेक्सेनॉन में दोनों में से प्रिफर्ड कन्फॉर्मेशन किसका हो, कौन सा होगा, प्रिफर्ड मतलब वही मोर स्टेबल कौन सा होगा। तो एक बार हमने BR को रखा है यहाँ पर जो हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन थी, और फिर अगर हम इसको फ्लिप करा देंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा BR, और ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन है और यहाँ पर एक्जियल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ BR नीचे है तो हमें यहाँ पर भी नीचे ही रखना पड़ेगा। तो ये EBR है और यहाँ पर ABR है, तो यहाँ ये प्रिफर्ड कन्फॉर्मेशन है जब BR जो है वो एक्जियल पोजिशन पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, दो ग्रुप्स हैं यहाँ, C डबल बॉन्ड O और CBR, और दोनों ही स्ट्रांगली पोलर ग्रुप्स होते हैं। जब दोनों ही पोलर ग्रुप हैं तो यहाँ पर जो है वो डाईपोलर इंटरेक्शन जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, यानी इस ग्रुप का और इस ग्रुप का जो इंटरेक्शन है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो जब
और इंटरेक्शन, डाइपोलर इंटरेक्शन एक्चुअल में क्या है, दोनों का रिपल्शन। तो दोनों में रिपल्शन यहाँ मैक्सिमम है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए एनर्जी बहुत कम है, और एनर्जी सॉरी रिपल्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये जो है लेस स्टेबल है। और यहाँ पर क्योंकि ये एक्जियल पोजिशन पर आ गया है तो अब यहाँ पर डाइपोलर इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी रिपल्शन थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स के। तो यहाँ पर कन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स जो है वो ख़त्म होता है। अब आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।